ये लहुरियादर गांव के गौहा हैं जो हमारे सामने हैं। क्या नाम है आपका? रोहिणी। रोहिणी, आप यहाँ मवेशियों को हटाने का काम करते हैं, तो पिछले 3-4 महीने से लगभग कितने जानवर हटा चुके होंगे आप? जानवर साहब 50 जानवर हैं। 50 जानवर? जी हाँ। और इसमें गाय भी रहती होंगी? गाय भी हैं, गाय में बच्चे निकलते हैं साहब, ताकि अब 2-3 दिन के अंडरगट में बच्चे देने वाली गाय और आटे से खत्म हो जाते हैं सर। माने ऐसी ऐसी गाय जो 2-3 दिन में बच्चा देने वाली है ना? हमको तो लगता है कि यहाँ जितनी गाय है सब मतलब के पेट में बच्चा है ना? सब गाय छोटी हो या बड़ी हो सर, उस सब गायों के पेट में बच्चे हैं। जितने बच्चे मैंने गाय नाम से मैं सीधा हूँ उसको, उस सब में बच्चे पाए जाते हैं। अरे राम राम राम। और इनके मरने का केवल क्या कारण है सर? कारण इनके पेट के अंदर में ये गैस टाइप का जो धुआं टाइप का इनके मैंने यहाँ पेट में दिखाई पड़ता है, और बाकी तो वैसे कुछ मर्ज नहीं समझ में आता। हमारा तो कहने का ये मतलब है कि हमारी समस्या केवल पानी और चारा की वजह से है इनकी मौत। पानी का चारा है सर, लेकिन भरपेट अगर चारा पानी खा लेते हैं हो सकता है वो उस टाइम में गैस टाइप का बन जाता हो, है ना, या कुछ भी कारण बन जाता हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है इस गांव में? पानी की तो व्यवस्था सर आदमी के पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मवेशियों जानवरों को कौन बात करे कि कहाँ से पानी है। अब ये आप लोगों की देन है कि जो कि पानी वानी की सुविधा करवा दिए, तो कम से कम भरपेट पानी और चारा पा रहे हैं ये मवेशी। अच्छा, पिछले मतलब 2-3 महीने यहाँ डॉक्टर साहब कब से आप आ रहे हैं इस एरिया में? हम इस एरिया में सर अभी हम आते तो बहुत पहले से थे, आज 26-27 साल हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब से अभी हमारे 1.5 महीने से मुलाकात हो रही है। हाँ, तो क्या जब से डॉक्टर साहब लगभग दिसंबर से यहाँ आ रहे हैं, दिसंबर महीने से पानी और पियरा हर हफ्ते लगभग पानी की पियरा की व्यवस्था कर रहे हैं, 2-3 टाली बराबर है न? तो क्या इससे पहले भी यहाँ कोई सरकार या किसी नेता मंत्री की तरफ से कोई व्यवस्था होती? कोई व्यवस्था नहीं, गौओं को ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं थी सर, तो चारा पानी की कौन व्यवस्था करे? तो गौओं मतलब को यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जो जानवर खा जाते थे ऐसे जाते थे पानी पीने के लिए, नीचे जाते थे वहाँ पे जानवर खा लेते थे, मर जाते थे मवेशी, इस प्रकार से पीड़ित रहते थे पानी और चारा के से। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से जो ये इन लोगों को चारा पानी मिल रहा है, तो कम से कम भरपूर इतना इकट्ठे देखने को मवेशी मिल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे कौन ठहरता था? यहाँ पे लोग विवेकानंद जी को डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं जी, तो मतलब डॉक्टर साहब ही एक इनके मतलब मदद करने के रूप में सब आए हैं, सहारा आए हैं ना? और अगर डॉक्टर साहब ने भी अपना सहारा बंद कर दिया तो फिर मवेशियों का क्या होगा सर? अब वो मर जाएंगे। पानी की परमानेंट व्यवस्था और चारा की अगर न की गई तो ये सब मवेशी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। हेलो, चलिए रोहिणी जी धन्यवाद है। अरे हम चले।